आपने जब भी भगवान शिव का चित्र देखा होगा, उनकी कलाई में, उनके भुजाओं में, उनके गले में आप रुद्राक्ष की माला देखते होंगे। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, भगवान शिव के मंत्र रुद्राक्ष की माला पर जपने चाहिए। आखिर रुद्राक्ष ही क्यों, रुद्राक्ष क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र का अक्ष, अक्ष मतलब नेत्र। भगवान शिव के नेत्रों से निकले हुए आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है और इसीलिए इसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता रहा है और ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी रुद्राक्ष का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। कुल मिलाकर जैसा किताबें कहती हैं, जैसा इसका विवरण मिलता है, कुल मिलाकर 17 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन 12 मुख तक के जो रुद्राक्ष हैं वो ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल में आते हैं। रुद्राक्ष आप कलाई में पहन सकते हैं, अपने कंठ पर पहन सकते हैं, अपने हृदय पर गले में भी इसको धारण कर सकते हैं। इसे कंठ में धारण करना सर्वोत्तम होगा। अगर आप अपने कंठ में रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। अगर आपको कलाई में रुद्राक्ष पहनना है तो 12 दाने होने चाहिए, अगर कंठ में पहनना है तो 36 दाने होने चाहिए और अगर गले में हृदय में माला धारण करनी है तो 108 दाने रुद्राक्ष के आपको धारण करने चाहिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष का एक दाना भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये दाना लाल धागे में होना चाहिए और इतना लंबा हो दाना कि वो आपके हृदय के बीचों बीच तक पहुंचता हो। रुद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में या किसी भी सोमवार को धारण कर सकते हैं। और इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है तो सावन के महीने में आप रुद्राक्ष किसी भी दिन पूरे विधि विधान से पहन सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी शिवरात्रि को अगर आप रुद्राक्ष पहने, फाल्गुन की जो शिवरात्रि है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, अगर आप महाशिवरात्रि को रुद्राक्ष पहने तो वो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। वैसे सावन की शिवरात्रि पर, सावन के सोमवार पर या सावन में किसी भी दिन विधि विधान से आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के पहले उसे भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो पहले उसको शिवलिंग पर स्पर्श करा लें, भगवान शिव की पूजा कर लें और इसके बाद रुद्राक्ष को धारण करें। अगर आप माला पहनने जा रहे हैं रुद्राक्ष की, तो पहले उस रुद्राक्ष की माला पर नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्र का जप करें, रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराएं और उसके बाद अपने गले में धारण करें। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। रुद्राक्ष पहनकर मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, रुद्राक्ष पहनकर किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, रुद्राक्ष पहनकर के झूठ ना बोलें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रुद्राक्ष का फायदा आपको नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने रुद्राक्ष बहुत समय से पहना है लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपका आचरण शुद्ध नहीं होगा, अगर आपका बर्ताव और व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो रुद्राक्ष पहनने से आपको लाभ नहीं होगा।